In electromagnetic study we have done, it says that whenever there is a change of magnetic flux linked to a coil, then an EMF is induced in the coil, and if circuit is complete here, then a current starts flowing in it. If there is a change in magnetic flux, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इसको टच करेगा. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटिंग ए मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ए. व्हेन वी ब्रिंग इट क्लोजर, देन द मोर नंबर ऑफ लाइंस आर टचिंग इट, इफ मोर नंबर ऑफ लाइंस आर टचिंग इट, then B will get stronger and phi will increase and there will be magnetic flux change in it. Due to change in magnetic flux, a current will start flowing in it like this. This is what happens in electromagnetic induction. Now, it happens in what? Answer, it happens in a coil. Ye coil aisi bani hui hai. Now suppose there is no coil and we place a metal piece over here. ये यहां पर हमने एक मेटल प्लेट लगा दी, दिस, और इस मेटल प्लेट के सामने से यहां पर सेम मैग्नेट वी ब्रिंग हियर. इनिशियली द फ्लक्स वाज लाइक दिस एंड व्हेन इट कम्स क्लोजर देन मोर फ्लक्स इज टचिंग इट. सो देयर इज ए चेंज इन द फ्लक्स लिंक टू दिस एरिया. इस केस में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस केस में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस केस में जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, देयर इज ए करंट फ्लोइंग हियर. इस केस में कॉइल नहीं है, क्या करंट फ्लो होगी या नहीं होगी? सो आंसर इज दैट नेचर हैज इट्स ओन वे टू अपोज द चेंज. यहां पर फ्लक्स का चेंज हो रहा है, नेचर wants to oppose it. यहां पर भी फ्लक्स का चेंज हो रहा है, नेचर certainly wants to oppose it. अपोज करने का तरीका क्या है? एक अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रन करा के करंट फ्लो कराता है. यहां पर भी हम क्या चाहते हैं कि वो करंट फ्लो कराए, बट वॉट वी आर थिंकिंग कि इस मेटल में करंट फ्लो हो सकती है कि नहीं. हमको आदत है ये सोचने की कि करंट कहां फ्लो होती है. एक ट्यूब में फ्लो होती है, एक वायर में फ्लो होती है करंट. और अगर मैं बोलूंगा इसमें करंट फ्लो कैसे होगी, तो आप बोलेंगे यहां से जाएगी करंट, बट दैट डज नॉट मेक द सर्किट कंप्लीट. तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, होगी या नहीं होगी, दैट डिसाइड्स कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है या नहीं करना है. सो वी हैव ऑब्जर्व वन थिंग. What we have observed that there is a flow of current, and flow of current means what? Electron ka aise gol chalna. Ye electron jab aise move karte hain, current flow ho rahi hai, aur is current ke karan ek opposite magnetic field banta hai. To current ko humne kis mein transform kar liya? The motion of electron in a circle. Ab iske paas electron bhi hai, ये कंडक्टर भी है, और इलेक्ट्रॉन को मोशन चलने के लिए ये कंडक्टिंग सरफेस है, और इसके पास मेटल है, इसलिए इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लाइन अप करके
इधर उधर से बुला के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दौड़ा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से दौड़ते हैं तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट बनती है ये एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाती है, विच इज ट्राइंग टू अपोज द चेंज। सपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सफिशियंट, ये करंट कम पड़ गई, तब क्या होगा, तब और इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। देर विल बी वन करेंट, देर विल बी टू करेंट, देर विल बी थ्री करेंट, ऐसे बहुत सारी रोज इलेक्ट्रॉन की ऐसे दौड़ती जाएगी। इट विल अपियर लाइक एडी। एडी क्या होता है, एडी भंवर, आपने हिंदी में सुना है, पानी को ऐसा घुमा देंगे एंड देर आर एडीज इन दैट, भंवर पड़ती है, बहुत सी करेंट्स ऐसे राउंड घूमती है, इट इज जस्ट लाइक दैट। ये सब इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरह से घूमते हैं एंड दे मेक एन इलेक्ट्रिक करंट विच विल क्रिएट। सो दिस करंट इंड्यूस्ड इन द मेटल इज एडी करंट। एडी इज द नेम ड्यू टू इट्स शेप एंड व्हाई इट इज इंड्यूस्ड, बिकॉज इट वांट्स टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So this is eddy current. The work of eddy current is what? To produce a magnetic field and to oppose the magnetic field which is changing. अब देखिए यहां से ये इधर जाता है, यहां पर magnetic field change होगा तब current flow होगी। If there is no change there will be no current. ये हम लोग पहले study कर चुके हैं। Now why there is a change? The answer is because magnet is moving. अगर magnet move करना बंद कर देगा तो change होना बंद हो जाएगा। And what does our metal want? That there should be no change. For no change, what should happen? The magnet should stop moving. Magnet should stop moving. तो eddy current का purpose क्या है? To stop motion. ये हमने ट्रांसलेट कर लिया। एंड व्हाट इज द फंडा, हाउ द मोशन विल बी अपोज, द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दैट इट विल अपोज, इट विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड, दीज मैग्नेटिक फील्ड्स विल नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन द मैग्नेट कैन नॉट गो फर्दर। बट अल्टीमेटली रिजल्ट इज वॉट, अल्टीमेट रिजल्ट इज that the motion is opposed. So we remember this principle and write it down, that the purpose of eddy current is to oppose the motion. Which motion? The motion which was causing the change in magnetic flux. हमको उससे मतलब नहीं है whether the magnet was going towards it or the metal was going or the magnet was going beyond it. देखिए फिर से, ये इधर आ रहा था, इसने इसको अपोज किया, क्या कर दिया, स्लो, रुक गया। अब जब ये रुक गया इसके ऊपर 1000 लाइंस आ रही, ज्यादा नहीं। अब ये ऐसा जाता है मैग्नेट, इफ द मैग्नेट गोज लाइक दिस, दीज 1000 लाइंस विल बिकम 400, 300, 200 एंड नेचर डू नॉट वॉन्ट चेंज। तो वो क्या चाहेगी कि ये दूर मत जाए। इसके लिए पास क्या तरीका है, एडी करंट पैदा करो। एडी करंट पैदा करके अगर ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो यहां साउथ बनाओ, और साउथ बना के इसको मत जाने दो इज वॉट, नो चेंज। इफ इट इज कमिंग दिस वे इट विल मेक ए नॉर्थ पोल हियर सो दैट इट शुड नॉट कम, रिपल्शन। But in any case it has come and it wants to go back, it will allow it not to go. So ye kaun sa pole banayega, south pole. But dono case mein ek hi purpose hai, to oppose the change. Aur change kaun kar raha hai, motion, so to oppose the motion. So now we will write down, eddy currents always oppose motion. Now they oppose
what happens when they oppose? Answer is the motion becomes slow. फिर से देखिए, यहां से ये इधर आ रहा था, इसकी स्पीड अगर यहां पर एडी करंट नहीं बनती तो ये आता 10 स्पीड 10 10 10 10 ऐसे. नाउ देयर आर एडी करंट फॉर्म, दिस स्पीड इज 10 8 6 5 और 6 6 6 6 6. व्हाई इट हैज रिड्यूस्ड? बिकॉज देयर इज ए अपोजिशन. तो ये क्या करता है, मोशन को डिक्रीज कर देता है, हम कह सकते हैं ब्रेक लगा देता है. सिमिलरली ये फ्रीली इधर जा सकता था विद ए स्पीड ऑफ 10, बट वी पुट ए मेटल हियर, देयर आर एडी करंट फॉर्म्स हियर, एंड अब ये क्या होगा, ये इसको इधर नहीं जाने देगा मैग्नेट को, एंड द स्पीड विल डिक्रीज. सो व्हाट विल हैपन टू द स्पीड विल ऑलवेज डिक्रीज. एडी करंट से स्पीड हमेशा कम हो जाती है. सो एडी करंट ऑलवेज अपोज मोशन ऑफ द बॉडी विच कॉज चेंज इन द फ्लक्स. यहां चेंज इन द फ्लक्स किसके कारण हो रहा है, मैग्नेट के कारण. नाउ सपोज द मैग्नेट इज हियर एंड वी आर टेकिंग इट दिस वे, तब भी इसमें करंट पैदा होंगी और ये करंट इसको इधर नहीं ले जाने देंगी. ठीक है, सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एडी करंट. देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दी एडी करंट. सपोज वी हैव इस सिलेंडर एंड ऑन द सिलेंडर वी पुट वायर. इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक कैप लगा दिया, जैसे शटल कॉक का डब्बा है, शटल कॉक के डब्बे में ऊपर एक कैप लगा देते हैं मेटल की, दैट वे. और इसमें हमने इसको लपेट दिया, अब हम क्या देखते हैं, यहां से हम जैसे ही इसको टच करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, इसको स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही ये ढक्कन ऐसे ऊपर उड़ जाता है. जैसा स्विच ऑन किया ढक्कन ऊपर उड़ गया. वह हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस फ्लाइंग अप? फ्लाइंग कब होती है, व्हेन देयर इज ए रिपल्शन. रिपल्शन का फोर्स क्यों पैदा होगा, इधर नॉर्थ पोल बनाइए, इधर नॉर्थ पोल बनाइए, सडन बनाइए, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल. ये इधर पुश करेगा, ये इधर पुश करेगा, जो लाइटर होगा, जो हल्का होगा वो चला जाएगा. अब देखिए यहां पर हमने करंट फ्लो कराई, करंट फ्लो कराने से इसने ये करंट के यहां पर ये करंट फ्लो हुई, और इस करंट के कारण ये करंट फ्लो हो रही है, इस करंट के कारण यहां पर नॉर्थ पोल बना, नॉर्थ. अब ये नॉर्थ पोल बना और फ्लक्स इंक्रीज हुआ. अगर फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो इसका जो मेटल है, दिस मेटल, इस मेटल में एडी करंट्स पैदा होंगी, और एडी करंट्स कौन सा पोल बनाएंगी. ये नॉर्थ बना तो वो इसको दबाना चाहती है, वापस करना चाहती है, सप्रेस करेंगी, तो उसको भी क्या बनाना चाहिए, नॉर्थ नीचे की तरफ, तब तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा आएगा. दिस विल बी प्लस 10, दे विल मेक माइनस 10 इन दिस डायरेक्शन, सो दे विल हैव टू मेक ए नॉर्थ पोल हियर. तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाती है, बी, और ये भी क्या बना, बी. ये बी किसने बनाया, कॉयल ने, और ये बी किसने बनाया, कैप ने. इसने इधर नॉर्थ पोल दिया टू अपोज इट, इसने भी इधर नॉर्थ पोल दिया, नॉर्थ पोल दिया, इसने अपनी ताकत तो देखी नहीं, नॉर्थ पोल बना दिया पूरे जोर से. लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होता है, रिपल्शन. सो देयर इज ए रिपल्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन व्हेन द करंट इंक्रीज द रिपल्शन इज सो लार्ज कि ये ऊपर की तरफ फ्लाई होने लगता है, उड़ जाता है ऐसा ऊपर की तरफ. तो जिस तरह से कोई ढक्कन को हम ऐसा खोलते हैं जोर से, वैसा ही यहां पे होता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं बस ढक्कन ऐसा उड़ जाता है. नाउ यू अंडरस्टैंड द रीजन. ओके, देयर आर सो मेनी फिनोमेनास विच वी ऑब्जर्व इन द नेचर एंड विच कैन बी एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एडी करंट्स. वो कुछ फिनोमेनाज आपको समझने हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड एडी करंट बेटर एंड यू अंडरस्टैंड द फिनोमेनाज विच आर हैपनिंग इन द एडी करंट्स. एडी करंट समटाइम्स आर वेरी यूजफुल टू अस एंड समटाइम्स दे आर वेरी डैमेजिंग टू अस.
हाउ, एडी करंट गुड है या बैड है हम लोग नहीं जानते। हमारे लिए कोई भी चीज फिजिक्स में गुड या बैड नहीं होती है, उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और हमारे ऊपर है कि हम उस कैरेक्टर्स का गुड यूज करें या बैड यूज करें, ठीक है ना। अगर आपको कोई धार वाली चीज दी जाती है, आप सब्जी भी काट सकते हो, अपना हाथ भी काट सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन अस, उसका काम क्या है काटना। सिमिलरली एडी करेंट्स का काम क्या है, अपोज करना। तो एडी करेंट जहां भी फ्लो होती है, हम देखते हैं कि एक दो फीचर्स उसके रहेंगे, हमेशा रहेंगे, जो कि करंट के फीचर होते हैं। वन इज व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, सम हीट विल बी जनरेटेड एंड दैट हीट इज आई स्क्वायर आर ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ द पाथ। बिकॉज ऑफ दैट हीट एंड बिकॉज ऑफ द करंट, सॉरी बिकॉज ऑफ द करंट देयर इज हीट एंड हीट इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। हीट बनेगी, रेडिएट होके उड़ जाएगी, तो हीट इज ए लॉस ऑफ एनर्जी एंड हीट इज जनरेटेड ड्यू टू एडी करंट। तो एडी करंट हमेशा हमारे लिए एनर्जी का लॉस है। सम ऑफ आवर एनर्जी कंजर्वेशन से वी अंडरस्टैंड दैट एनर्जी इज एट आवर कॉस्ट। हमने कहीं ना कहीं से उसको एनर्जी दी है, बैटरी से दी है, जनरेटर से दी है, किसी ना किसी स्टोर से लाके दी है, ओके। अब जब हम ये कहते हैं कि इसमें अपने आप ये करंट बनती है, ये इसको हम नजदीक लाते हैं तो यहां हम एनर्जी दे रहे हैं, उस एनर्जी के कारण ये करंट बनती है, इस करंट को हम कहीं यूज नहीं कर रहे, ये यहीं पे हीट हो जाता है, तो हमारी एनर्जी का रिजल्ट क्या मिला, नथिंग। ये हीट हुआ और रेडिएट हो गया। यहां पर हमने इसको आगे किया, हमने अपनी एनर्जी यूज की, इसको मूव किया, यहां करंट पैदा हुई, यहां हमने बल्ब लगा दिया, ये लाइट हमको मिली। अवर एनर्जी इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ लाइट, फिर उसके बाद लाइट से ये हीट में कन्वर्ट हो गई, दैट इज देयर। पर हमारा काम तो हो गया, हमको लाइट मिल गई। अगर इसकी जगह में सिर्फ एडी करंट बनेंगी तो यहां तो हम सर्किट भी नहीं बना पा रहे बल्ब का, तो एडी करंट इज ए टोटल वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो इसलिए ये हमारे लिए लॉस है। बट देयर आर अदर यूजेज ऑल्सो ऑफ द करंट एंड दैट वी विल स्टडी नाउ, कि एडी करंट में कौन से बेनिफिट्स हैं और कौन से लॉसेस हैं। देखिए द वन थिंग व्हाट वेयर वी यूज एडी करंट इज डैम्पिंग। एप्लीकेशन और एडी करंट डैम्पिंग इज व्हाट, डैम्पिंग इज दिस। एडी करंट हमेशा क्या करती है, स्लो। देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गैल्वेनोमीटर विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स and in that there is a coil which moves due to magnetic torque. उस magnetic torque के कारण जब वो move करती है तो देखिए ये coil का top हिस्सा है, इस coil के top हिस्से में ये indicator लगा हुआ है और ये ऐसे oscillate करता है, एक बार इधर जाएगा फिर एक बार इधर आएगा। जब ये ऐसा जाएगा तो ये यहां पहुंच जाएगा और फिर जब ऐसा आएगा तो यहां पहुंच जाएगा, ओके। हमने करंट दी, गैल्वेनोमीटर यू हैव ऑल स्टडीड, हम करंट देते हैं, इस करंट के कारण इसमें टॉर्क क्रिएट होता है, उस टॉर्क के कारण ये ऐसा मूव करता है, मूव करता है तो नीचे स्प्रिंग में एंटी टॉर्क पैदा होता है एंड देयर इज ए बैलेंसिंग पॉइंट, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी इट गोज बियॉन्ड, इट गोज बियॉन्ड द एक्चुअल मीन पोजिशन, इट गोज बियॉन्ड द मीन पोजिशन। और यहां जब जाएगा स्प्रिंग इसको फिर से रिकॉल करेगा, रिस्टोर करने के लिए यहां आएगा, अगेन ड्यू टू इनर्शिया वेलोसिटी इट विल गो हियर और ये क्या स्टार्ट कर देगा, ऑसिलेशन। सो ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इट्स इंडिकेटर कीप्स ऑसिलेटिंग बिकॉज ऑफ इनर्शिया of velocity and because of restoring force
of the spring. Okay, now if it oscillates, then we are waiting to take the reading. हमको तो रीडिंग चाहिए, ये खड़ा होगा तो रीडिंग लेंगे, और ये खड़ा नहीं हो रहा है, 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसा ऐसा झूल रहा है. इट इज सो फाइनली मेड कि उसका फ्रिक्शन बहुत कम है, तो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इट विल कीप ऑन डूइंग दिस. वी वॉन्ट टू स्टॉप इट. इसको अगर हम लोग स्टॉप करना चाहते हैं, किसको स्टॉप करना चाहते हैं? ऑसिलेशन को. ऑसिलेशन को हम बीट्स भी कहते हैं. बीट, बीट मतलब पहरा देना, ऐसे लेफ्ट राइट चौकीदार चलता है, दैट इज बीट. तो ये बीट है और हम चाहते हैं कि ये बीट इसकी डेड हो जाए. सो वी वॉन्ट ए गैल्वेनोमीटर विच इज ए डेड बीट गैल्वेनोमीटर. वो ऐसा अपनी रीडिंग पे, यहां उसकी रीडिंग है सपोज 5, तो यहां 0 से ऐसा आए, ये 5 से 6 जाए, फिर 5 पे आए, रुक जाए, दैट्स ऑल, और हम रीडिंग नोट कर ले. सो व्हाट टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर वी वांट? डेड बीट. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर एक मेटल लगा देते हैं, और जब मैग्नेट कॉयल में करंट फ्लो होती है और वो कॉयल ऐसा घूमता है, तो उसके अंदर का जो मेटल फ्रेम है वो मेटल फ्रेम भी घूमता है. फिर से याद करिए, यहां ये एक मेटल का फ्रेम है, इस मेटल फ्रेम में हमने कॉयल लपेटी है, इसके ऊपर इंडिकेटर लगाया, और यहां पर दो हमने रेडियल मैग्नेट बनाए थे, यू रिमेम्बर, वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ये इसके अंदर ऐसा घूमता है. ये वाला जो फ्रेम है, ये वाला जो लोहे का पीस है, जब ये ऐसा घूमेगा तो अभी इस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऐसा घूमेगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इट विल हैव एडी करेंट्स. अगर इसमें एडी करेंट होंगी तो एडी करेंट का नेचर क्या है? टू अपोज द मोशन विच इज क्रिएटिंग इट. और यहां पर इसका घूमना, ये मोशन इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा है. सो द एडी करेंट प्रोड्यूस्ड इन इट, प्रोड्यूस्ड इन एनी मेटल विल अपोज दिस मोशन. वो जब इसको अपोज करती है तो इसका मोशन स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगी, एंड इट विल स्टॉप. सो एडी करेंट वी आर यूजिंग टू मेक दैट बीट गैल्वेनोमीटर्स. इसी प्रिंसिपल को हम इस तरह से समझ सकते हैं. देखिए, ये मैग्नेटिक पोल है, यहां पर हमने एक पेंडुलम, इधर से मेटल का पेंडुलम ऐसे फ्लो कराया, ये इस तरह से जाता है, ये इधर यहां सपोज रख दिया, इससे यहां पर, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ये इसके अंदर ऐसा फ्लो करेगा. Suppose this magnet is not there, then how it will oscillate? ये एक particular velocity से oscillate कर रहा था, ऐसे ऐसे, like this. Now when it is here, there is no magnetic flux. When it is here, then there is maximum magnetic flux. When it is here, there is no magnetic flux. तो जब ये यहां से यहां आता है, magnetic flux में चेंज हुआ, zero to full, और यहां full to zero, फिर से चेंज हुआ. Whenever there is a change in magnetic flux, there will be production of any currents in the metal. कहां है metal? जिसके साथ flux change हो रहा है, this is the area जिसको ये touch करता है, और इसमें जब फ्लक्स चेंज होता है तो यहां पर क्या बनेंगी? एडी करेंट्स. दीज एडी करेंट्स विल मेक ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज अपोजिट टू दिस, और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड में टग ऑफ वॉर होगा. क्यों? दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकते, उसमें क्या होगा? वो चाहेंगी कि मत काटे. नहीं काटने का क्या तरीका है? पेंडुलम अंदर मत आए, और अगर जबरदस्ती आए तो स्लो हो जाए, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है. तो जब मैग्नेट नहीं थे तो इसको हम देख रहे थे 1 सेकंड में ऐसे आ जा रहा था, 1 सेकंड,
अब हमने मैग्नेट लगा दिया तो ये आता है, स्लो हो जाता है, इट टेक्स 2 सेकेंड, अगेन 2 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम लेस, एंड दिस वेलोसिटी बिकम लेस इज नोन एज डैम्पिंग। समझ में आया डैम्पिंग क्यों हो रही है? बिकॉज इट ऑलवेज क्रिएट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। हु क्रिएट्स द अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड? एडी करेंट। और चेंज इन द फ्लक्स क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज ए ऑसिलेटरी मोशन, देयरफॉर एडी करेंट विल अपोज ऑसिलेटरी मोशन एंड फाइनली इट विल स्टॉप, द स्पीड विल डिक्रीज एंड इट विल स्टॉप। दिस इज डैम्पिंग, दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ द एडी करेंट। इसी एप्लीकेशन को और हम बड़ा कर देते हैं, जैसे ट्रेन के व्हील्स मूव कर रहे हैं, उसके आसपास हमने कॉयल लगाई हुई है, करंट नहीं दी, हम उसमें जब ब्रेक लगाना चाहते हैं तो कॉयल में करंट देते, खड़ी हुई कॉयल है, व्हील ऐसा बीच में चल रहा है, जब इस कॉयल में हम करंट देंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बहुत स्ट्रॉन्ग, और जब ये व्हील ऐसा चलेगा देयर विल बी चेंज इन द फ्लक्स लिंक टू द व्हील। अभी देखिए यहां पर कोई फ्लक्स नहीं है, ये व्हील इसके सामने आया, फ्लक्स आया, ये फ्लक्स जीरो होंगे, देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स। जैसे ये इसके सामने आता है इसमें बड़ी स्पीड से एडी करंट बनती है जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है, ये ऐसा आ रहा है ये इसको अपोज कर रही है, इतना अपोज करती है कि इसकी स्पीड एकदम स्लो हो जाती, ये इसको जाने ही नहीं देती इधर। व्हाट इज दैट? ब्रेक, स्पीड को कम करना। तो एडी स्पीड, एडी करंट क्या करती है? मोशन को रिड्यूस करती है, डिक्रीज करती है, एंड दैट इज एज गुड एज ब्रेक। और ये जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं, दिस एप्लीकेशन वी कॉल एज मैग्नेटिक ब्रेक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स। Electromagnetic brakes. This is another use of eddy current. Okay. A very important feature of the eddy current is induction furnace. Induction furnace. Induction furnace. We want to heat metal scrap. Metal scrap को हम गर्म करना चाहते हैं. What is the method? Metal scrap को किसी pot में रखिए और नीचे gas जला दीजिए. It will get heated up. कितना heat होगा? Answer: जितना उस gas की flame का temperature है. 400, 500, 700. Oxyacetylene हमने लगा दिया. 1100, 1200. Electrodes लगा के इलेक्ट्रिक आर्क बनाया, इट गोज अप टू 1400-1500, बस उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर वो मेटल हमारा उसमें भी नहीं गलता है तो हम उसको गलाना चाहते, कैसे गलाएंगे? वी वॉन्ट ए टेम्परेचर ऑफ मोर देन दैट, 1700-1600, हमारे हीटिंग एलिमेंट का ही उतना टेम्परेचर नहीं है, तो वो उसको कैसे गर्म कर सकते? Can we heat a metal up to such a large temperature, such a high temperature? Answer is yes. There is a way to do this. वो रास्ता क्या है? We will not use any external material to heat it. External material, kerosene oil, gas, oxyacetylene or any external agency we will not use for heating. हम heating उसके अंदर से पैदा करेंगे. कैसे अंदर से पैदा करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एटम के साथ स्ट्राइक कराएंगे, देयर विल बी ए हीट जनरेटेड, कराते जाएंगे, एटम भी उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर, बाहर से कुछ लाना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? हीट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग, हीट बनते जाएगी, कितनी? जब तक हम उसमें आपस में उनका फ्रिक्शन कराते रहेंगे, जब तक उनका आपस में कोलिजन होता रहेगा। और मेटल में कोलिजन कब होता है? व्हेन देयर इज अ रेसिस्टेंस। कोलिजन से क्या बनता है? रेसिस्टेंस। सो दिस टेक्निक वी यूज,
अब इलेक्ट्रॉन और एटम ये आपस में कोलाइड कब करते हैं? आंसर है जब करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो में रेस्ट्रिक्शन कब आते हैं? जब एक मूविंग चार्ज एक एटम से टकराएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा। यू हैव स्टडीड दिस इन द वेरी बिगनिंग जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे, याद आया? सो इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन, आपने बहुत सारे फिनोमिना पढ़े हैं, जैसे वो टाइम का क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स। दैट मीन्स देर आर कंटिन्यूअसली कोलिजन टेकिंग अप व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू फ्लो द करंट। अब जितनी फास्ट करंट होगी उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे। हमने क्या किया, ये एक अर्थ का पॉट बना दिया मिट्टी का, मिट्टी का या सुटेबल फायर ब्रिक्स का, और इसके अंदर हमने ये मेटल डाल दिए, स्क्रैप मेटल्स, बट दीज आर मेटल्स विच वी वॉन्ट टू मेल्ट। इनको हमने मेल्ट करना है। आई एम टेलिंग अबाउट द प्रिंसिपल पार्ट ओनली, नॉट द टेक्निकल पार्ट। ओके, ये हमने इसमें मेटल स्क्रैप ये डाला। नाउ वी पुट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हियर, ये इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे एंड दे विल बिकम मैग्नेट। सपोज दिस करंट इज अल्टरनेटिंग करंट एसी, एक बार इधर प्लस बनेगा माइनस और दूसरी बार इधर माइनस और इधर प्लस। सो दिस इज एसी करंट। ओके, ये दोनों मैग्नेट बनते हैं, तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है और फिर एक बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है, वी कॉल इट ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा तो इसके अंदर क्या बनना चाहेगा नेचर, अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, और वो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसके अंदर जितना मेटल है इस मेटल के सब इलेक्ट्रॉन इस तरह से दौड़ेंगे कि करंट इस ऐसी फ्लो हो, ये मैग्नेटिक फील्ड बना। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा तो ये ऐसे करंट फ्लो होगी इधर। सो वंस एडी करंट फ्लोज इन दिस वे से एंटी क्लॉकवाइज, देन इट फ्लोज क्लॉकवाइज, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। व्हाई? बिकॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। व्हाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग? बिकॉज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक वी हैव गिवन इज एसी, एक बार प्लस एक बार माइनस। सो देयर इज कंटिन्यूअसली चेंज ऑफ फ्लक्स। एसी में हमको एक बेनिफिट है या एक कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाट वी आर यूजिंग, दैट इट इज चेंजिंग फ्लक्स कंटिन्यूअसली। कभी भी फ्लक्स एक वैल्यू पे खड़ा नहीं होता। इफ द फ्लक्स इज चेंजिंग देन अपोजिशन इज कंटिन्यूअस, इफ अपोजिशन इज कंटिन्यूअस देन अपोजिंग करंट एनी करंट इज कंटिन्यूअस। सो देयर इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट हियर हियर। मेटल के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसा चलते हैं, कोई छोटा एडी, कोई छोटा एडी, कोई बड़ा एडी, कोई छोटा एडी, इस तरह से एडीज इसमें बनते रहते हैं। ये करंट फ्लो होते रहती है। और इस करंट से क्या होगा, व्हेनेवर देयर इज ए करंट देयर इज ए हीट, एंड दैट हीट दिस हीट कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग हियर। और जब यहां पर हीट बढ़ती जाएगी इसका टेम्परेचर राइज होता जाएगा। हु इज गोइंग टू स्टॉप दैट? नोबडी। इस तरह से हीट इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये मेटल सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होके गलने लगेगा, इट विल बिकम लिक्विड, और अगर तब भी हमने करंट नहीं रोकी इट विल वेपोराइज, इतना भी हो सकता है। सो हम एक्शन क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट मूविंग एनीथिंग, हमने तो यहां बस प्लग लगा दिया, दैट्स ऑल। कोई चीज मूव नहीं कर रही है, ये भी मूव नहीं कर रहा है, ना ये हीट हो रहा है ना ये हीट हो रहा है, कुछ हीट नहीं हो रहा है। सडनली देखते देखते उस पॉट के अंदर रखा हुआ मेटल अपने आप लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बनने के बाद बॉयल होना शुरू हो जाता है, और कुछ होता ही नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं है, कहीं कोई गैस नहीं जल रही है, कहीं कोई फ्लेम नहीं है, और उस मिट्टी के अंदर रखा हुआ मेटल अपने आप लिक्विड बन गया, बॉयल होना शुरू हो गया, बिकॉज ऑफ व्हाट, एडी करंट्स, राइट। तो ये जो तरीका है, इतना टेम्परेचर और कोई दूसरी चीज नहीं दे सकती।
एंड देयर वी कैन डू द मेटलर्जी विद इट्स बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि हमको हर टेम्परेचर के मेटल अलग अलग मिल जाते हैं, इम्प्योरिटीज अलग करना, प्योर मेटल अलग करना, एंड वट एवर ऑपरेशन वी वॉन्ट टू डू इन मेटलर्जी वी कैन डू हियर, अदरवाइज हम लोग इतना गर्म नहीं कर पाते. दिस टाइप ऑफ फर्नेस इज नोन एज इंडक्शन फर्नेस बिकॉज विच प्रिंसिपल वी हैव यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो दिस इज इंडक्शन फर्नेस एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ इट. आप देखिए कितना अच्छा प्रिंसिपल है. द ओनली थिंग इज द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी लार्ज, वो एक चीज होती है. एंड व्हेन वी गो फॉर इंजीनियरिंग ऑफ दिस फर्नेस दैट इज अ बिट डिफिकल्ट, बहुत सारी चीजें इसमें लगती हैं. तो अभी तो मोस्टली बड़ी बड़ी फर्नेस हम इंपोर्ट करते थे, नाउ वी हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इट इन इंडिया ऑल्सो. ओके, सो दिस इज वन एडवांटेज एंड वन एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट. देखिए एडी करंट का लॉस मैंने क्या बताया था, इट हीट्स अप, पर यहां तो हमको चाहिए हीटिंग. सो इट इज नॉट लॉस, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक, उसका फीचर है कि वो गर्म करती है. जब वो गर्म करती है तो अगर हम उसमें खाना बना लेंगे तो वो हमने उसका एप्लीकेशन यूज कर लिया, अगर हम कुछ नहीं बनाएंगे तो बैठ के रोते रहेंगे हमारी इतनी एनर्जी लॉस हो गई, अब हमें उड़ गई, इट्स अवर फॉल्ट. समझ में आया? उसका काम क्या है? हीट देना. इफ वी यूज इट और वी डोंट यूज इट. एनीवे, दिस इज इंडक्शन फर्नेस. देन वी हैव फिनोमिनास, अदर फिनोमिनास वेयर वी आर यूजिंग, एंड वन फिनोमिना इज इंडक्शन मोटर. Now other phenomena, another application we see is induction motors. Motor बनाने के लिए हमारी technology किस तरह की है? There are two coils. इन दोनों में कॉइल्स में हम करंट फ्लो कराते हैं, एसी और डीसी. इनमें जब ऐसे करंट फ्लो होता है इनके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये. इसके बाद यहां पर हम एक और कॉइल रख देते हैं. इस कॉइल में भी हम करंट फ्लो कराते हैं, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं, तो क्या होगा? तो आंसर है, जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का नेचर हमने पढ़ा है, they want to align themselves. क्या ये एक दूसरे को काटना पसंद करेंगी? नहीं. अगर हमने इनको बोला अपनी मर्जी से जो करना है करो, तो ये हमेशा ऐसे हो जाएगी. टॉर्क इस तरह से बनेगा, टॉर्क विल बी इन सच ए नेचर दैट इट विल कम लाइक दिस. अगर हमने ऐसे छोड़ा फिर ऐसे आ जाएगा, वो हम लोग टॉर्क वाले लेसन में कर चुके हैं. So a torque is produced such that area vector and magnetic field they will come in the same direction. तो coil हमेशा इस तरह से घूमेगी कि ये ऐसा बन जाए. अब ये वाला magnetic field कहाँ बन रहा है? अंदर वाली coil में बन रहा है. इस अंदर वाली coil में current flow कराई, ऐसा magnetic field बनाया, ये ऐसा हो गया. जैसे ही ये ऐसा होता है तो हम क्या चालाकी करते हैं कि यहां पर ये जो हमने दो कॉयल बनाई है वैसे ही इधर हमने एक सेट और बना दिया, इधर और इसके सामने ऐसे. तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमको कॉयल का एक सेट यहां मिल रहा है, एक सेट यहां मिल रहा है, एक सेट इधर और ये एक सेट इधर. पहले हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाया और इसके अंदर जो कॉयल थी ये वाली कॉयल, इस कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना, ये इसको अलाइन करना चाहता है, टॉर्क बनता है और ये टॉर्क क्या करता है, द टॉर्क विल ऑलवेज ट्राई टू रोटेट इट. टॉर्क की डायरेक्शन हमने यहां से देखी, फोर्स की डायरेक्शन देखी, ये टॉर्क इसको ऐसा ले आएगा.
ठीक है, आपका जो भी नॉलेज है लगा के देख लीजिए, ये ऐसा घूमेगा। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आना चाहता है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि इस पूरी कॉइल को घुमाकर ऐसा कर दे। सो ए टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉइल विल रोटेट इट टू ब्रिंग इट टू दिस पोजिशन। ये ऐसा आ गया, ऐसा घूमकर आ गया। अच्छा, जैसे ही ये घूमकर आता है हम क्या करते हैं कि जो करंट हम यहां दे रहे थे इस करंट को हम इसमें देना शुरू कर देते हैं। जब हम इसमें करंट देते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन गया। अब दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस कॉइल, इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड बना। लेकिन ये इसमें इसको जैसे ही अलाइन करता है हम इस मैग्नेटिक फील्ड को यहां कर देते हैं, फिर से टॉर्क पैदा हुआ। उस टॉर्क के कारण ये कॉइल फिर घूमता है और घूमकर फिर ऐसा हो जाता है, और जब ये ऐसा होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ अलाइन होने के लिए ऐसे आ गया। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पहुंचेगा, हमने अपनी डायरेक्शन करंट की यहां से यहां कर दी, ये ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल हो गया। फिर से टॉर्क क्रिएट हुआ और टॉर्क जीरो होने के लिए उस टॉर्क ने इसको घुमाया, और घुमाकर ये यहां से जो यहां आया था ये अब घूम के फिर ऐसा चला गया। तो क्या हो रहा है, ये अंदर वाली कॉइल को वो इस मैग्नेटिक फील्ड के पीछे ऐसे गई, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दिया तो ये ऐसे गई, फिर टॉर्क बना तो ऐसे चली गई, जैसे यहां पहुंचती है हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दिया, फिर इसमें टॉर्क बना फिर ऐसे गया। ऐसी कंडीशन में टॉर्क बनता है और ऐसी कंडीशन में जीरो हो जाता है। ओके, तो ऐसा हम लोग करते चले गए। आपको याद है टॉर्क का फॉर्मूला वी आई साइन थीटा, ये साइन थीटा, साइन किसका, एरिया वेक्टर का। अभी एरिया वेक्टर का साइन ये कितना बना, 90, तो टॉर्क बना, ये टॉर्क को जीरो किया, जैसे ही जीरो किया हमने नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा कर दिया। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को हम घुमा रहे हैं, दिस इज नोन एज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये कॉइल उसको मैच करने के लिए घूमते जा रही है, एंड इट गोज लाइक दिस। तो ये येलो वाला मैग्नेटिक फील्ड हम घुमा रहे हैं, पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, और लास्ट में फिर इस डायरेक्शन में, उसके बाद फिर यहां। इस तरह से दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अलाइन करने के लिए कॉइल को लगातार घुमाते रहते हैं, एंड दिस इज मोटर। अंदर वाला जो कॉइल घूमता है, इस कॉइल के साथ में हम कोई भी चीज लगा लेते हैं, इट मे बी अवर मिक्सी, इट मे बी अवर ड्रिल मशीन, इट मे बी अवर पंप और एनीथिंग। ये जो मोटर बनती है ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोटर होती है, बहुत पावरफुल मोटर भी होती है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज देयर आर कॉइल्स एंड देयर इज अरेंजमेंट टू रोटेट इट। देयर इज ए कॉइल हियर, ये कॉइल, इसमें भी अरेंजमेंट है घूमने का, वो घूमती भी रहे और उसमें करंट भी जाती रहे। तो ये सारे अरेंजमेंट, कार्बन ब्रश अरेंजमेंट्स एंड अदर अरेंजमेंट्स आर वेरी वेरी टेक्निकली स्लिपरी, यानी खराब हो जाते हैं, एंड दिस बिकम्स ए वेरी कॉस्टली अफेयर ऐसी मोटर, क्योंकि हमको दो दो कॉइल बनाना पड़ता है। तो हम इस मोटर के में कुछ डिजाइन चेंज करते हैं, एंड फॉर दैट वी आर थैंकफुल टू एडी करेंट्स। अब एडी करेंट इसमें एंटर करेगी इस कॉम्प्लिकेशन से हमको बचाने के लिए। सेम अरेंजमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में, दिस इज नोन एज टू पोल। हम चाहे तो थ्री पोल भी बना सकते हैं, फोर पोल, फाइव पोल, सिक्स पोल, ऐसा भी बना सकते हैं। ओके, ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड कीप ऑन रोटेटिंग। अब ये येलो वाला हम रोटेट करा रहे हैं, और अंदर रेड वाला हम नहीं बनाते, पर उसके बिना जब तक दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगे कॉइल घूमेगी नहीं। तो हम क्या सोचते हैं, यहां पर जैसे ही हमने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया, तो
उसको अपोज करने के लिए यहां हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा। सॉफ्ट आयरन कोर में क्या पैदा हो जाएगा? एडी करंट। और वो एडी करंट क्या करेगी? इट विल मेक ए अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड, और वो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया ऐसे। यहां पर दिस इज मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय अस, इसके कारण इसके अंदर एडी करंट बनी, इस एडी करंट ने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब हमने क्या किया, ये जो हमारा बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड था इसको यहां से कनेक्शन हटाकर यहां कर दिया। अब देखिए, एडी करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया था और ये जो हमने चेंज किया, ये दोनों कैसे हो गए? एट राइट एंगल टू ईच अदर। जैसे ये राइट एंगल पे हो गए, टॉर्क बना, उस टॉर्क को मिनिमाइज करने के लिए ये कॉइल घूम गई, ये रोटर ऐसा घूम गया और घूमकर इसने क्या किया, अपने आप को इसके साथ अलाइन कर लिया। जैसे ही अलाइन किया, हमने अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर कर दिया, इधर किया हुआ था वो अब इधर कर दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, और उसके कारण उसके अंदर फिर से एडी करंट बनी। उस एडी करंट ने एक अपोजिट फील्ड बनाया और उस एडी करंट के मैग्नेटिक फील्ड ने हमारे मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करने के लिए रोटर को फिर से घुमा दिया। तो पहले जो काम हम यहां से एक्स्ट्रा करंट देकर कर रहे थे, अब हम वो करंट नहीं दे रहे, करंट अभी भी फ्लो हो रही है पर हम नहीं दे रहे। अब कहां से आई वो करंट? दैट इज एडी करंट। तो समझ में आया, पहले बाहर के मैग्नेट में भी हम करंट देते थे, अंदर मैग्नेट बनाने के लिए भी हम करंट देते थे, दोनों को अपोज कराते थे तो वो चलता था। अब हम बाहर करंट देते हैं, अंदर करंट नहीं देते, अंदर कौन क्या बनने देते हैं? एडी करंट, एंड दैट एडी करंट मेक्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड फॉलो द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय अस। एक मैग्नेटिक फील्ड हम रोटेटिंग बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वाली जो मोटर बनती है, इसमें अंदर वाले की जो रोटर की करंट है ये हमने बचा ली, और रोटर को करंट देना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो घूमता रहता है। जिस तार से हम करंट देंगे वो तार ऐसा टूट जाएगा, तो हम कार्बन सिस्टम लगाते, कार्बन घिस जाते, उसमें स्पार्किंग होती है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। और इंडक्शन मोटर में फिर क्या होता है, हमने एक लोहे का पीस लगा देते, दैट्स ऑल, बस। और वो लोहे के पीस में एडी करंट बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एंड इट विल कीप ऑन रोटेटिंग। तो ये हमारी बहुत बड़ी बचत है। दीस टाइप ऑफ मोटर्स आर नोन एज इंडक्शन मोटर। कहां होती है ये? तो हमारे घर के पंप में है, हमारे कूलर में है, हमारे रेफ्रिजरेटर में है, हमारे एसी में है, सब में इंडक्शन मोटर है। तो क्या वैसी मोटर भी होती है जिसमें अंदर और बाहर दोनों में हम करंट देते हैं? यस, हमारी मिक्सी में, मिक्सर, ड्रिल मशीन में, उसमें ये मोटर्स रहती है जिसके अंदर हम करंट देते हैं। इन मोटर्स की पावर बहुत ज्यादा होती है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, सो दे आर यूज फॉर वेरी पावरफुल वर्क। इसीलिए ड्रिल मशीन में हम उसको यूज करते हैं। इंडक्शन मोटर उतनी ज्यादा पावर नहीं दे पाएगी, पर नॉर्मल यूज में इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। एनीवे, इंडक्शन मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है? एडी करंट्स के प्रिंसिपल पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल एंड द फीचर कैरेक्टरिस्टिक इज एडी करंट व्हिच हेल्प्स अस। सो दीज आर द फ्यू यूजेस हम लोगों ने देखे, कौन कौन से? डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन मोटर्स। और भी इस तरह के यूज हैं हमारे, जैसे घरों में जो मीटर लगे होते हैं, मीटर के अंदर भी एडी करंट बनती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एडी करंट दिस थिंग टेक्स प्लेस। इसके ऊपर डिस्क लगा दीजिए, इंडिकेटर लगा दीजिए, दिस विल बिकम ए मीटर। ये घूमता रहेगा और जितनी राउंड घूमेगा उससे हम अपना कर लेंगे कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो मीटर। मोटर के प्रिंसिपल से आप जो मर्जी चला लीजिए, दिस मे बी ए इलेक्ट्रिकल मीटर जहां हम मीटरिंग करते हैं, एंड दिस मे बी एनीथिंग एल्स विच विल रोटेट, राइट? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ
एडी करंट्स। एडी करंट्स हम कम कैसे कर सकते हैं, ज्यादा कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा एक मिनट, ये एक मेटल है, इसमें एडी करंट ऐसे बन रही है। देखिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 एंड 2 कितना चलना पड़ा, 8 चलने में इसके रास्ते में जितना रेसिस्टेंस आएगा, बिकॉज ऑफ दैट रेसिस्टेंस द करंट विल डिक्रीज, बिकॉज आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम बनेगी, अगर करंट कम बनेगी तो हीट भी कम होगी और एडी करंट की पावर भी कम होगी। ज्यादा करंट ज्यादा पावर, ज्यादा करंट ज्यादा हीट। नाउ देर आर प्लेसेस वेयर वी नीड लेस करंट, देर आर प्लेसेस वेयर वी नीड मोर करंट। अगर हमको इसकी करंट को लेस करना है, से ट्रांसफॉर्मर्स में हम चाहते हैं कि सॉफ्ट आयरन में एडी करंट कम हो जाए, तो हम क्या करते हैं, यहां स्लॉट बना देते हैं, ये इस तरह से मेटल में स्लॉट बना देंगे। तो अगर हम मेटल में स्लॉट बना देते हैं, उसकी शेप ये, यहां पर पहले ऐसे करंट फ्लो हो रही थी, ये अब हमने इसकी शेप ऐसे कर दी, इस मेटल की शेप ऐसे बना दी, ये मेटल सेम। अब इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज करते हैं, देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसको अपोज करने के लिए इसके अंदर एडी करंट्स पैदा होती है। इसमें एडी करंट पैदा होती है 5 सेंटीमीटर 5 5 5 कितनी 20। इसमें एडी करंट जाती है, देखिए 5 5 5 इधर आती है, रास्ता नहीं है, इट विल गो हियर 5 5 5 5 ये, और ये मिला के 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 40। रास्ता इतना लंबा हो गया, और अगर रास्ता लंबा हो गया तो रेसिस्टेंस का क्या होगा, द रेसिस्टेंस विल इंक्रीज। ये आपने पढ़ा हुआ है रो एल अपॉन ए, इफ द लेंथ हैज इंक्रीज रेसिस्टेंस विल इंक्रीज, इफ रेसिस्टेंस इंक्रीज देन व्हाट हैपेंस, करंट विल डिक्रीज, करंट विल डिक्रीज, एंड इफ द करंट डिक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू हीट, हीट विल ऑल्सो डिक्रीज। तो इन दोनों में कौन सा कम गर्म होगा, दिस विल डिक्रीज हीट, दिस इज इंक्रीज ऑफ हीट। हीट इंक्रीज, दिस इज हीट डिक्रीज, हीट इंक्रीज हीट डिक्रीज, क्यों, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस हमने, सो दिस इज हाउ वी कैन सेव एनर्जी एंड वी कैन सेव द लॉसेज ड्यू टू एडी करंट, दिस इज वन मेथड। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एडी करंट्स।